सरकार ने जो तीन काले कानून पास किए हैं उनसे खेत खलिहान को गिरवी रखने का षड्यंत्र है, ये पूंजीपतियों के लाभ के लिए बनाए गए हैं। कि जो काले कानून जो बनाए हैं वे आपके खिलाफ हैं। हमारा विरोध ये है कि ये जब खेती नहीं बचेगी मंडी भी नहीं बचेगी। हमारा ये नारा आज मंडी बचाओ खेती बचाओ। नमस्कार, मैं रमाकांत उपाध्याय नव समाचार से। आज हम गुड़गांव की खाटसा मंडी में मौजूद है। यहां पर जो संयुक्त किसान मोर्चा के निर्देशानुसार किसानों ने यहां द्वारा से मंडी और अड़ाती और मंडी के जो किसानों को लेकर यहां इन्होंने जो मुहिम आज फिर जारी की है कि इस बिल को वापस, तीन काले कानून को वापस लेना चाहिए, ऐसा इनकी मांग है। और ये आज पूरी मंडी के अंदर घूमेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे इसके माध्यम से कि सरकार के जो तीन कृषि कानून हैं यह कितना घातक है और लोगों को इससे क्या क्या नुकसान होने वाला है। और इससे किसानों को इनका कहना है कि वो एक गुलामी की ज़िंदगी जिएंगे। हम यह चीज़ इनसे जानेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के गुड़गांव अध्यक्ष हमारे साथ में मौजूद हैं। हम संतोष जी से पूछते हैं, संतोष जी आज ये क्या है जिसके लिए आप निकाल रहे हैं? आज का जो कार्यक्रम है ये खेती बचाओ मंडी बचाओ कार्यक्रम है। सरकार ने जो तीन काले कानून पास किए हैं उनसे खेत खलिहान को गिरवी रखने का षड्यंत्र है, ये पूंजीपतियों के लाभ के लिए बनाए गए हैं। इनसे मंडी व्यवस्था बर्बाद हो जाएगी और जो आम आदमी है, किसान है, गरीब आदमी है, मजदूर है, उस पर महंगाई की मार पड़ेगी। नहीं, आप अभी ये कहां से कहां तक जाएंगे, क्या रूट है आपका? आज का हमारा जो कार्यक्रम है वो मंडी में है, नई सब्जी मंडी है, ये पूरी सब्जी मंडी में हम अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के दक्षिण हरियाणा से अध्यक्ष हमारे साथ में आर एस राठी मौजूद हैं, पार्षद हैं और वर्तमान में किसान आंदोलन को बराबर अपना सहयोग दे रहे हैं। आर एस राठी जी आपका स्वागत है। मैं ये जानना चाहता हूं कि किस प्रकार से किसान और मंडी और व्यापारियों को गुलामी की ज़िंदगी जीनी पड़ेगी, क्या इससे ऐसा होने वाला है जैसे कि मैंने पढ़ा उसमें लिखा था, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, आज हम सभी किसान यहाँ इकट्ठे हुए हैं खानसा मंडी के अंदर। हमारा विरोध ये है कि ये जब खेती नहीं बचेगी मंडी भी नहीं बचेगी। हमारा ये नारा आज मंडी बचाओ खेती बचाओ। तो इसलिए हम ये आढ़तियों को आह्वान करना चाहते हैं कि सब लोग इकट्ठे हो जाओ, और अगर ये सब लोग इकट्ठे नहीं हुए तो ये आपकी मंडियाँ नहीं बचेंगी, बड़े बड़े वॉलमार्ट जैसे स्टोर आ जाएंगे और सारी की सारी सब्जियां वहीं स्टोर होनी स्टार्ट हो जाएंगी। जो ये मज़दूरों का जो रोज़गार है वो सब ख़त्म हो जाएगा। इसी आह्वान पर किसान लीडर्स ने जो आह्वान किया उसी के माध्यम से आज पूरी मंडी के अंदर हम लोगों को जागरूक करेंगे और उसी हिसाब से हम पैदल मार्च कर रहे हैं। हमारे साथ में मुकेश डागर मौजूद हैं जो कि यहाँ पर मंडी समिति के अध्यक्ष भी हैं। हम इनसे जानकारी लेंगे कि इससे क्या मंडी पर प्रभाव पड़ने वाला है और किस प्रकार से पड़ेगा। मुकेश जी आप बताएंगे इसमें क्या, इसमें मंडी के लोगों पर प्रभाव पड़ने वाला है छोटे व्यापारियों को लेकर? ऐसे हमारे यहाँ जो तबका है मंडी में आढ़तियों का, ये अशिक्षित लोग हैं, इनके अंदर अवेयरनेस फैलाने के लिए ताकि इनको अपने अधिकारों का ज्ञान हो, तो वे अधिकार इनको बताए जा रहे हैं हमारे द्वारा। मैं मंडी सुधार समिति का अध्यक्ष होने के नाते मैं इन लोगों को मैं ये अवेयरनेस फैला रहा हूँ कि जो काले कानून जो बनाए हैं वे आपके खिलाफ हैं, तो इन्हीं कानूनों को हम विरोध कर रहे हैं। और इन सभी आढ़ती भाइयों ने ये समझा है कि ये कानून किसी ना किसी तरीके से हमारे खिलाफ हैं। ये मंडियों को जो ख़त्म करने का जो षड्यंत्र है वो हम यहाँ कामयाब नहीं होने देंगे। और जो ये मंडियाँ स्टेप टू स्टेप वाइज मंडियाँ जो अडानी और जो कॉरपोरेट जो खानदान है उनको दी जा रही हैं उसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं। तो सरकार बराबर इस चीज़ को कह रही है कि इससे किसानों भाइयों को इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना ही मंडियों के किसी पर प्रभाव पड़ने वाला है, आपको विश्वास हम पर रखना चाहिए, तो इसको सरकार के बयानों को लेकर आप क्या कहते हैं? हमारा बिल्कुल भी सरकार के किसी बयान पे कोई विश्वास नहीं है। हम इन कानूनों के खिलाफ हैं और ये जो हमारा धरना प्रदर्शन है पिछले 80 दिनों से गुड़गांव के अंदर चल रहा है।
और इसमें बहुत ज़्यादा भागीदारी इन मंडी और किसान वाले लोगों में बहुत ज़्यादा भागीदारी ये कर रहे हैं। और आज इसी के तहत ये प्रदर्शन मंडी के अंदर हो रहा है। आज हम प्रधानमंत्री को ज्ञापन देंगे जिसमें हम मंडी के बारे में बताएंगे कि मंडियों को किस तरह से निजीकरण करके और सरकार को इनके सौंपने का जो काम कर रही है ये बिल्कुल ना बर्दाश्त है। आज संयुक्त किसान मोर्चा के निर्देश अनुसार यहाँ पर मंडियों में जिस प्रकार से इन्होंने काम किया है आप देख सकते हैं मंडी में, और यहाँ पर प्रशासन की भी ड्यूटी लगी हुई है, प्रशासन की भी अपनी उनको आगे से मार्ग खाली करवाने के लिए प्रशासन भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है। और यहाँ पर हर प्रकार के हर वर्ग के लोग भी यहाँ पर मौजूद हुए हैं, किसान भी भाई लोग यहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए हैं आज और पूरी मंडी में यह जानकारी देंगे कि ये 3 कृषि कानून कितना हमारे लिए ठीक है और कितना ठीक नहीं है, इससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है और क्या नहीं। तो ये लोगों को एक जागरूक करने का सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये मुहिम इन्होंने चला रखी है और ये इनका आज का ये प्रोग्राम है। बड़े बड़े व्यापारी और पूंजीपतियों के जो बड़े बड़े मॉल हैं उनमें VIP एक सफाई होती है। यहाँ पर अगर मंडी की बात की जाए, सरकार इनसे टैक्स जरूर वसूलती है, क्या नगर निगम के पास में ये सफाई करने के लिए व्यवस्थाएं इनके पास में क्या मौजूद नहीं है? अगर नहीं है तो फिर इन लोगों से टैक्स क्यों वसूला जाता है? सरकार को इस चीज़ पे भी गौर करना चाहिए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर गाय भी आपको दिख रही है, गंदगी में पल रही है। सरकार का नारा है कि हमारी गाय माताएँ, गौ माताएँ, गौ सेवाएँ, ये कहाँ हैं गौ सेवाएँ, कहाँ हैं गौ माताएँ? और आप देख सकते हो कितनी गंदगी है यहाँ पर। सरकार के सारे नियम और नगर निगम पता नहीं कहाँ सो रहा है। इस चीज़ को आप देख सकते हैं कि कितनी गंदगी यहाँ पर मौजूद है, जबकि बड़े बड़े व्यापारी और पूंजीपति जिस प्रकार से अपने बड़े बड़े मॉलों में एक इतनी हाई फाई व्यवस्था और टैक्स, इन लोगों से टैक्स वसूला जाता है, रेडी पटरी वालों से भी टैक्स वसूला जाता है, छोटे व्यापारियों से भी और इस मंडी वालों से पल, लेकिन क्या इतनी सफाई, इनको सुख सुविधाएँ मिल पा रही हैं मंडी के अंदर? यह भी एक सोचने वाली बात है। इसीलिए इस संदर्भ में सारी चीज़ों को लेकर आज किसान संयुक्त किसान मोर्चा के लोगों ने यहाँ पर जो अपना मार्च निकाला है लोगों को जागरूक करने के लिए, इन बड़े बड़े बोर्डों पर लिखा हुआ है खेती बचाओ मंडी बचाओ, एकता जिंदाबाद, काले कानून वापिस लो। सरकार को चेताने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए इन लोगों ने अपनी मुहिम चलाई है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता आज मंडी में हैं, खांडसा मंडी पर, और यहाँ पर इन्होंने 3 कृषि कानून को लेकर इन्होंने जो अभियान चलाया है, और इनका कहना है कि मंडी के लोग और जितने भी व्यापारी हैं वो हमारा साथ दें, हम सरकार के खिलाफ ये 3 कृषि कानून को लेकर हम इसको रोक लगाएं और मांग करें कि ये वापस होना चाहिए। मैं रमाकांत उपाध्याय, सहयोगी विवेक पांडे के साथ, गुरुग्राम, धन्यवाद।